हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुणिमा गांधी है। आज मैं क्या आपको पता है, एक लड़का था जिसने अपना राइट हैंड का अंगूठा काट के अपने टीचर को दे दिया था, वो कौन था? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने टीवी में देखा था, स्टोरी देखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल व अपने फ्रेंड्स को सुना दो, मेरे फ्रेंड्स भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानते हैं जाने। चलिए हम लोग जानते हैं। एक जिसने अपनी उंगली अपने राइट हैंड का अंगूठा काट के अपने टीचर को दे दिया था, उसका नाम एकलव्य था। चलिए आगे जानते हैं। वहाँ पे हजारों हजारों साल पहले की बात है। एक लड़का था, उसका नाम एकलव्य था। वो हमेशा से ही धनुष तीर चलाना सीखना चाहता था। तो फिर एकलव्य ने अपने पापा से पूछा, पापा मैंने एक टीचर के बारे में सुना है, उनका नाम द्रोणाचार्य है, मैं उनसे धनुष तीर चलाना सीखना चाहता हूँ। तो फिर उसके पापा ने कहा, मुझे तो नहीं लगता द्रोणाचार्य तुम्हें द्रोणाचार्य जो है वो तुम्हें धनुष तीर चलाना सिखाएंगे। तो फिर एकलव्य ने कहा, मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। तो फिर एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आपसे टीचर से कहा, अब मुझे आपसे धनुष तीर चलाना सीखना है। तो फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से बोला, अरे मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, मैं केवल किंग के बच्चों को सिखाता हूँ। तो फिर एकलव्य जो थे वो बहुत सैड हो गए। वो थोड़ी दूर चले, वहाँ पे उनको एक पेड़ दिखा, तो उन्होंने सोचा मैं यहीं पे रहूँगा, और उन्होंने एक कुटिया बना ली छोटी सी, वहीं पे रहने लगे। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रही हूँ आप सुन रहे हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तब फिर एकलव्य ने द्रोणाचार्य की स्टैचू बनाई। तो फिर उस पर उन्होंने फूल माला चढ़ाया। तो एकलव्य ने सोचा कि मेरे टीचर अभी जिंदा हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। तो रोज वो वहीं पे प्रैक्टिस करता रहा। तो फिर एक दिन द्रोणाचार्य अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहे थे, तो फिर और उनके साथ एक डॉगी भी था। तो फिर वो डॉगी जो था वो एकलव्य के पास चला गया और वहाँ पे भौंकने लगा। तो एकलव्य को प्रैक्टिस करने में डिस्टर्बेंस होने लगा। तो फिर एकलव्य ने डॉगी के मुंह पर तीर सारी चला दी और डॉगी घायल भी नहीं हुआ। तो फिर वो द्रोणाचार्य के साथ आया था, तो फिर वो द्रोणाचार्य के पास ही चला गया। तो फिर द्रोणाचार्य सोचा, अरे ये मेरे डॉगी को किसने किया, इतनी अच्छी तीर चला, मैंने तो केवल अर्जुन से प्रॉमिस किया था, अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें अच्छा तीर चलाना सिखाऊंगा, और तो मैंने किसी को अच्छा तीर चलाना सिखाया ही नहीं। तो फिर डॉगी एकलव्य के पास ले गए। तो द्रोणाचार्य ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तो फिर उसने बोला कि मैं एकलव्य हूँ, मैं आपके पास आया था, आपने मना कर दिया था मुझे सीखने को, यहाँ पे मैंने आपका स्टैचू बना के माना कि मेरे टीचर जिंदा हैं, अभी वो मुझे सिखा रहे हैं। तो फिर उन्होंने द्रोणाचार्य ने इस सोच तो फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अगर तुमने मुझे अपना टीचर माना ही है तो फिर तुम्हें तो मुझे अपना
गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो फिर एक लव्य ने अपने टीचर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तो फिर जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, तुम मुझे अपने राइट हैंड का अंगूठा दे दो। तो फिर उन्होंने कहा, एकलव्य ने कहा, एकलव्य ने अपनी तलवार उठाई और उससे अपना राइट हैंड का अंगूठा काट के अपने टीचर को दे दिया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अब हमेशा अपनी टीचर का सम्मान करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने टीचर से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।